पहले तो आपका लोकेशन ये सर्च कर रहा है यहाँ पर, सर्चिंग जो है कनेक्टिंग डिवाइस वहाँ पर है, आप यहाँ से देख सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा, वहाँ पर आप रिंग बजा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मेरा जो है मोबाइल मेरे साथ ही बगल में ही है, बट उसका रिंग कि आप जब आपका मोबाइल खो गया है आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। बट इसमें ट्रैकिंग करने के लिए आपको दो तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपके मोबाइल का इंटरनेट ऑन होना चाहिए, दूसरा आपके पास उस मोबाइल में जो लॉगिन ईमेल आईडी है उसका ईमेल आईडी आपके और उसका पासवर्ड होनी चाहिए, तो आप उसके वजह से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कैसे ट्रैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी कंप्यूटर पर बैठ करके और अपना क्रोम डिवाइस या कोई भी जो होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप उसमें जीमेल ओपन कर लेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे gmail.com पे, और इसके बाद हमारा जीमेल आईडी इसमें लॉगिन है, नहीं होता तो आप वहाँ पर पासवर्ड और अपना आईडी डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो यहाँ पर 9 पॉइंट्स दिख रहा है, ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी, दूसरे मोबाइल से भी उसे ट्रैकिंग किया जा सकता है, जिसमें भी क्रोम चल रहा हो आप कर सकते हो उसे। तो ये इसके बाद ये 9 पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट्स पर क्लिक करना है आपको। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है सिक्योरिटी पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर दो तीन चीज़ें दिखाएगा। पहला ये विंडो, ये जो विंडो दिखा रहा है इंडिया, ये मेरा खुद का जो अभी कंप्यूटर में मैंने लॉगिन कर रखा है वो खुद डिवाइस लिखा भी है दिस डिवाइस, और हमारा दूसरा जो है वो गैलेक्सी A6 है मेरा कंप्यूटर मतलब मोबाइल। तो आप उसमें आप फाइंड कहना ना फाइंड आर लॉस्ट डिवाइस, इस पर आप क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आपका लोकेशन ये सर्च कर रहा है यहाँ पर, सर्चिंग जो है कनेक्टिंग डिवाइस। तो आपका जब देखिए इसमें दिखा रहा है मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, जियो फोन है उसमें और 24% चार्ज हो चुका है, और ये कहाँ पर है ये आप यहाँ से देख सकते हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा आपको, आप यहाँ से कहीं पर भी रहे आपका ये फ़ोन का डिवाइस दिखाएगा जूम आउट जूम उम करके। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो आप वो फ़ोन नहीं मिलने वाला है तो आप इरेज डिवाइस कर सकते हो, अगर नेट बंद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इरेज डिवाइस कर दोगे तो इसमें जो भी आपका डाटा होगा ना वो आप इरेज कर सकते हो इसमें से, और आपका कोई भी डाटा नहीं, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा उसमें। अगर आपने सिक्योर कर दिया डिवाइस तो इसमें क्या होगा, लॉक लग जाएगा, उसे खोलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, एक्चुअली वो जल्दी खुलता नहीं है उसकी वजह से। और अगर आप नया आप जहाँ पर आपका लोकेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और दिख नहीं रहा बहुत सारे आदमी हैं तो वहाँ पर आप रिंग बजा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मेरा जो है मोबाइल मेरे साथ ही बगल में ही है, बट उसका रिंग बज चुका है, और 5 मिनट तक हम बजा सकते हैं, और स्टॉप करना चाहते स्टॉप भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को खोज सकते हो, अगर नहीं मिला तो आप इरेज कर सकते हो, आपका डाटा सिक्योर रहेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा एक ईमेल आईडी से किसी का भी आप प्राइवेट फ़ोटो या लोकेशन आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।